नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रतिवर्ष दीपावली के शुभ अवसर पर हम आप लोगों के लिए ज्योतिष के सिद्ध सरल आसान उपाय, जो कि दीपावली की अवधि पर व्यक्तियों द्वारा आजमाए जाते हैं और जिनका वह शुभ फल प्राप्त करते हैं, हम प्रसारण करते रहते हैं। विगत 3 वर्षों से हम इसका प्रसारण कर रहे हैं और जितने भी हमने आज तक जानकारी के जो ज्योतिष जानकारी के उपाय बताए गए हैं शास्त्र में, हम आप लोगों के लिए लाए हैं। तो उनके कमेंट बॉक्स में जाकर जब आप देखते हैं तो बड़ा ही हर्ष होता है। लोगों ने उन्हें आजमाया और उनका चमत्कारी प्रतिफल प्राप्त किया। इस वर्ष भी पूर्व में हम कुछ वीडियो आप लोगों के लिए प्रसारण कर चुके हैं। यहाँ पर को बहुत से लोगों का एक आग्रह रहा कि राशि से संबंधित जानकारी भी आप हम लोगों के लिए प्रसारित करिए, उन उपायों को प्रसारण करिए जो कि राशि से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम आजमाएं और उनका प्रतिफल भी हमें बहुत अच्छा देखने में आए। क्योंकि राशि थोड़ा सा उपायों में और ज़्यादा विशेष हो जाती है, व्यक्ति को लगता है कि वह खुद के लिए कर रहा है। तो आज हम आप लोगों के लिए धनु व मीन राशि से संबंधित जो बताया गया है शास्त्र में, दीपावली के शुभ अवसर पर दीप मालिका के दिन, महालक्ष्मी महापूजा के दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय जो वर्ष भर आपको सुखी बनाए रखता है, दुखों से दूरी आपकी बनाए रखता है, उज्जवल उत्तम वर्ष रहता है, स्वर्णिम वर्ष में इसकी गिनती होती है, ऐसा उपाय इसे शास्त्र में बताया गया है धनु व मीन राशि के जातकों के लिए। और विशेष तौर पर जो व्यक्ति गुरु प्रभावित हैं या गुरु पथ पर जो विराजमान है, जैसे कि हम लोग हैं या अध्यापक वर्ग है या ऐसा वर्ग जो कि शिक्षा देने का कार्य करता है, उनके लिए तो यह बहुत ही अच्छा उपाय है। वर्ष भर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, स्वयं हम भी इसे आजमाएंगे। तो बताया गया है कि महालक्ष्मी पूजा के दिन 16 बेसन के लड्डू वह माता लक्ष्मी को भोग स्वरूप लगाएं, भोग स्वरूप चढ़ाएं। महापूजा, महाआरती सब कुछ होने के पश्चात उन्हें 9 कन्याओं से ज़्यादा किन्हीं भी कन्याओं में तेज जितनी भी होती हैं उनमें उसका वितरित कर दें, या उन्हें 9 गौ माताओं को उनको खिला दें। 9 गौ माताएँ, उनके बछड़े, किसी को भी आप खिला सकते हैं, उससे ज़्यादा को भी, किंतु 16 बेसन के लड्डू का भोग माता रानी को अवश्य लगाएं। ये चीज़ें छोटी होती हैं, हमारे वीडियो में कह रहे हैं दिखने में सरल होती हैं और प्रतिफल वाली यही होती हैं। हम ये समझते हैं कि जो कठिन चीज़ें हैं इसमें हमारा सब कुछ लग रहा है, समय भी लग रहा है, लेकिन इनमें रिजल्ट की संभावना बहुत कम होती है। थोड़ी सी भी चीज़ बिगड़ गई तो पूरी कहानी बिगड़ जाती है। यहाँ पर को कुछ नहीं है, यहाँ पर को खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए ही पाने के लिए है। हर राशि से संबंधित सबसे सरल उपाय हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। इससे भी कठिन उपाय हैं, अगले वर्ष उनका प्रसारण करेंगे। इस वर्ष जो सबसे सरल बताया गया, तो फूलों के लिए भी बताया गया है कि राशि वाले इन फूलों से माता का श्रृंगार करें, उससे ही माँ प्रसन्न हो जाती है। भगवान ईश्वर तो भाव के भूखे हैं, हमारे अंदर से हमारे जो विचार हैं उनके भूखे हैं, ना कि हम उनको खूब ढेर सारा धन दें या अन्य भोग की चीज़ें दें, उससे वो खुश नहीं होते, खुश तो वो हमारे भावों से होते। तो 16 बेसन के लड्डू यदि धनु और मीन राशि के जातक जो गुरु प्रभावित हैं माता रानी को भोग स्वरूप चढ़ाएं, अगले दिन 9 कन्याओं में उनका वितरण कर दें या 9 गौ माताओं को खिला दें, उससे अधिक भी तो वर्ष देखिए स्वर्णिम ही स्वर्णिम आपको देखने में आएगा। ऐसा वर्ष जो विगत वर्षों में कहीं भी आपको देखने में नहीं मिला होगा, बहुत अच्छी उपलब्धि इस वर्ष पे आप हासिल कर सकते हैं इस उपाय को आजमा। यदि यह उपाय आप लोगों को पसंद आया तो आप इसे आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अत्यंत सरल आसान उपाय है, कोई भी व्यक्ति इसको आजमा कर इसका चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त कर सकता है। आपकी मर्जी पर निर्भर है, शेयर करें या ना करें। नए लोगों से आग्रह रहता है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जरूर हम इसलिए कहते हैं कि ज्योतिष की जानकारी है कहीं ना कहीं कभी ना कहीं आप लोगों के काम ही आएगी, तो अवश्य ही सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस करें। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जय माता रानी, जय माता।